मिश्रा, स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले महाराष्ट्र की लगातार बिगड़ती सियासत को लेकर। अक्सर कहा जाता है कि सियासत गरमाती है, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि सियासत बिगड़ती जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सरकार है, यानी कि शिवसेना के साथ जो पूरा महागठबंधन है, जिसको महाविकास अघाड़ी कहा जाता है, अब वो टूटने के कगार पे नजर आ रहा है। नजर ये आ रहा है कि देश भर में जिस तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी के बने हुए हैं, तो उसको देखकर तो लगता है कि कांग्रेस कब खत्म हो जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी बारी आती है एनसीपी की। यहाँ पर शरद पवार लगातार उद्धव ठाकरे से नाराज नजर आ रहे। उनका नाम राष्ट्रपति पद के लिए सामने आया था, लेकिन विपक्ष को साफ तौर पर मना कर चुके हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी उन्हें अपनी तरफ खींचे। तो वहीं पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो अकेले रहते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर चुनाव अभी राज्यसभा के, उसके हमने रिजल्ट देखे कि किस तरीके से बुरी तरह हारे। अब बारी है एमएलसी चुनावों को लेकर। तो यहाँ पर जो सियासत में एक के बाद एक फेर बदल देखा जा रहा है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी नहीं बचेगी, इस्तीफा देना पड़ेगा, शरद पवार बीजेपी ज्वाइन कर सकते नहीं कर सकते, तो उन्हीं सब सारी चीजों को, उन्हीं सब सारे मामलों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ साक्षी मौजूद है। तो साक्षी, स्वागत है आपका जी। हम लगातार महाराष्ट्र में देख ही रहे कि किस तरीके से हालात बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा छोटा सा यहाँ पर ये रहेगा कि अगर शरद पवार इस तरीके का फैसला लेते हैं कि वो बीजेपी में जाएंगे, तो क्या सच में माना जा सकता है कि शिवसेना टूट जाएगी? बिल्कुल, शिवसेना टूटती हुई दिख रही है, पहले से ही दिख रही है। और इस वक्त शिवसेना जिस तरह से जनता के बाद अपने ही गठबंधन में अपने लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी या साथ में इस तरह के रिश्ते रखेगी, तो कहीं ना कहीं जो दूरियां हैं वो आएंगी और दूरियां आने के बाद जो है ये गठबंधन भी टूटेगा। और गठबंधन टूटने के बाद आप देखिए शिवसेना भी बिखर जाएगी। तो वो कहीं ना कहीं अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जिस तरह से उनके नए नए निर्णय आ रहे हैं, जिस तरह से इन चीजों को लेकर वो प्लान्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अलग ही होते दिख रहे हैं और इसके बाद बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ सकता है। देखिए, अभी राष्ट्रपति के चुनाव है और उसके लिए यहाँ पर विपक्ष पूरा इकट्ठा हो चुका है और यहाँ पर शरद पवार का नाम ले रहा था, लेकिन शरद पवार ने साफ तौर पर मना कर दिया। संजय राउत ने भी बयान दिया कि उनका मन नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखा जाए तो बहुत बेहतरीन नेता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शरद पवार ने अपने बयान में भी कहा कि मैं विपक्ष की तरफ से नहीं उठना चाहता, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा केंद्र सरकार की तरफ है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार में सालों से नेता इंतजार में बैठे हैं बड़े बड़े कि हमें एक बड़ा पद मिलेगा या राष्ट्रपति पद के इंतजार में, तो क्या यहाँ पर लगता है कि बीजेपी पार्टी शरद पवार को लेकर उन नेताओं को नाराज कर सकती है, क्योंकि शरद पवार को लेना महाराष्ट्र में अपने लिए फायदा भी साबित कर सकती है? बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फायदा इस चीज को लेकर हो सकता है। देखिए, बीजेपी का फायदा इस पे काफी अच्छा है और अगर बीजेपी ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहेगी, स्पेशली जब ऐसे अच्छे नेता होते हैं, उनको पता है एक स्ट्रांग कैंडिडेट हमारी पार्टी में एक अच्छा मौका ला सकता है और हमारी पार्टी का एक परचम जो है वहां लहरा सकता है, तो क्यों मौका नहीं देगी? और मौका मिल भी सकता है। और अगर मौका मिले तो इस वक्त ये देखने को मिलेगा कि शिवसेना का क्या हाल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी यही मौके देखने की कोशिश करती है और सबसे बड़ी अच्छी चीज यही होती है कि बीजेपी इन्हीं चीजों पर रणनीति बनाने की कोशिश करती है। और यहाँ अगर रणनीति काम आ गई तो फिर तो आप ये देखें कि शिवसेना को हटके बीजेपी का मौका वहां हो सकता है। तो बीजेपी मतलब शरद पवार को अपनी पार्टी में ले सकती है, इस तरीके का आपका कहना। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर शरद पवार को लेकर वो राष्ट्रपति पद के लिए उन्हें आगे करती है, तो जो बाकी बीजेपी के नेता जो सालों से इंतजार करिए, उनका क्या? वो तो नाराज होते नजर आएंगे फिर जी, उन पर बड़ा फर्क पड़ सकता है। फिर तो उन पर ही बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी चीजें होती है कि पहले से जो मंत्री बैठे हैं इंतजार में कि हमें वो मौका मिले और उन्हें अगर वो मौका नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहीं पर कुछ चीजें सोचनी होंगी। या तो आपको अपने नेताओं की नाराजगी देखनी है या फिर आपको वहां मौका देखना है जहां आप महाराष्ट्र में आप नए मौके का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका नया मौका वहां पर है, आपको नए मौके वहां बनाने हैं। तो अब इन रणनीति पर किस तरह से बीजेपी काम करती है, इसका इंतजार रहेगा। तो देखना होगा ये चीज कि बीजेपी को हो सकता है कि एक तरफ फायदा और दूसरी तरफ नुकसान भुगतना पड़े। अब जिस तरीके से हमने यहाँ शरद पवार को लेकर बात की है, तो अगर हम अब देश भर में देखें कि कहीं कहीं ही बच्चे कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी का इस वक्त क्या ही हाल हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो सवाल मेरे आ जाएंगे कि पहला ये छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि ईडी के शिकंजे में फंसा था गांधी परिवार। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये है, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि ईडी के मामले को छिपाने के लिए यहाँ पर जानबूझकर विपक्ष अब अग्निपथ का मामला भड़काए जा रही है। तो क्या साक्षी, आपको ये नहीं लगता कि सरकार ने एक योजना रिलीज की है
तो वो तो थोप तो रही है नहीं, वो किसी पे उसको लेनी है तो ले, नहीं लेनी तो ना ले, तो ये आक्रोश किस बात का हो रहा है देश में? देखिए विपक्ष को मौका चाहिए बोलने का और यहाँ पर उन्हें एक अच्छा मौका मिल चुका है। अगर देखिए पहले तो आप ये बताइए कि जो ईडी का मामला हुआ है उसमें भी बीजेपी पर निशाना लग रहा है कि वही लेकर आए हैं इस तरह का मामला, जिससे इसी में सब लोग व्यस्त रहे और चुनावों की तैयारी हम खुद कर ले। और जब ये योजना है तब भी आप उन्हें कह रहे हैं कि ईडी का मामला बंद करने के लिए ये मामला शुरू किया है। तो ये जो चीजें हो रही है, सबसे पहले जबरदस्त एक आरोप आप एक ही पार्टी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज ये कि सब चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं इनकी वजह हम बताते हैं, एक सिचुएशन होती है, इसका ना वजह ये है कि इलेक्शन आ रहे हैं, काफी लोग का ये कहना है कि चुनावों का वक्त है तो मौका देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये मौका बीजेपी देखती तो शायद इस वक्त ये योजना ना लाती, क्योंकि केंद्र सरकार को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता होगी कि इस योजना के बाद क्या होने वाला था। ये बात उन्हें पहले से इसका जो आइडिया है वो लग चुका होगा जो अब हुआ है। तो ये जो चीजें हुई हैं विपक्ष की, इसमें भी एक बड़ी रणनीति होती है कि इस वक्त अगर हम बीजेपी के बारे में कुछ बोलेंगे, भड़काएंगे, तो कहीं ना कहीं चुनावों पर बड़ा असर पड़ेगा बीजेपी की छवि पर। तो अपने चुनावों को लेकर यहाँ पर बात कही है, अभी यहाँ पर चुनाव होते हैं राज्यसभा के, हमने देखा कि किस तरीके से भाजपा यहाँ पर भी मौका मार रही है राजस्थान को छोड़ के। तो क्या माना जा सकता है कि डर अब एमएलसी चुनावों को लेकर बना हुआ है कि अगर एमएलसी में भी भाजपा जीत गई तो लोकसभा में जीतना तो मुमकिन है पूरी तरीके से, तो उसी चीज का डर यहाँ पर विपक्षियों को डरा रहे हैं? डर बहुत बड़ा है क्योंकि विपक्ष जानता है, अगर कांग्रेस की मैं बात करूं, देखिए और भी पार्टी ऐसी हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी विलुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच कांग्रेस को सबसे बड़ा डर है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तैयारी अभी से शुरू है और इसी वजह से देखिए लगातार निशाना जो है उन पे साधा जा रहा है कि बुलडोजर का एक्शन हो, ईडी का एक्शन हो, सीबीआई का एक्शन हो, हर एक्शन बीजेपी की अनुमति पर चल रहा है, बीजेपी के इशारों पर नाच रहा है। तो उस चीज को लेकर बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है बीजेपी कर रही है, उनको पता है कि इस वक्त बीजेपी ने इस तरह की रणनीति बना ली है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है उन्हें पता है। किसी भी पार्टी का एक अच्छा एक कद्दावर नेता उनकी पार्टी में मौजूद है, ये बहुत बड़ा फायदा है बीजेपी का इस वक्त, क्योंकि हर किसी विपक्ष को ये दिख रहा है कि हमारी पार्टी से अच्छे अच्छे नेता जो है वो बीजेपी में ही जा रहे हैं और वहां पे जाना मतलब बीजेपी इसका यूज लेगी 2024 में जब उनके सामने वो चुनावों में खड़ा करेगी। देखिए वो लाजमी सी बात है कि उन चुनावों आने वाले चुनावों में एक बहुत बड़ा फायदा बीजेपी को हो सकता है जब कद्दावर नेता बाकी पार्टियों को छोड़ के यहाँ पर बीजेपी में जाते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर साक्षी खबर सामने आई थी कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार को लेकर फैसले लिए हैं राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन तब भी मना कर देते हैं यहाँ पर शरद पवार। और लगातार जिस तरीके से राज्यसभा चुनावों के दौरान से लगातार खटपट की खबरें सामने आ रही, तो क्या लगता है कि अब शरद पवार को ये महसूस होता है कि शिवसेना वो वैसी नहीं रही, वो नेतृत्व वाली पार्टी नहीं रही, इसलिए शिवसेना को छोड़ना बेहतर है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये चीजें उन्हें भी दिखाई देने लगी है और ये वक्त पूरा हो चुका है, उनको ये चीजें समझ आने लगी कि कहीं ना कहीं इस गठबंधन में चीजें ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं अलग होना ज्यादा ठीक है। और आप ये देखिए कि अगर इस वक्त शरद पवार कुछ ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि गठबंधन तोड़ना हो और शिवसेना से अलग हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में शिवसेना का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। और अगर शिवसेना का वहां अस्तित्व नहीं रहा तो बीजेपी वहां बहुत अच्छा मौका देख सकती है, और बीजेपी ने अगर अच्छा मौका देख लिया तो आप देखिए फिर महाराष्ट्र में तो बीजेपी ही बीजेपी होगी। जी शुक्रिया साक्षी आपका, आपने बहुत सारे सवालों का बेहतरीन जवाब दिया। लेकिन अब जिस तरीके से हमने आपने इस प्रोग्राम को हमने एनालाइज किया, जो हमें मालूम चला उससे यही सामने आया कि कहीं ना कहीं अगर शरद पवार अपने कदम पीछे खींचते शिवसेना के गठबंधन से तो यहाँ पर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे का इस्तीफा तय हो सकता है और साथ ही साथ बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है महाराष्ट्र की लगातार बिगड़ती सियासत को लेकर, राय जरूर रखिएगा और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर, नमस्कार।